नहाई न हो शाम सहमी न हो रात हो ना डरी भोर की आंख फिर डबडबाई न हो इसलिए इसलिए सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे रोशनी रोशनाई में डूबी न हो यूं न ईमान फुटपाथ पर हो पड़ा हर अभियान चलाया। तत्पश्चात 19 दिसंबर 2021 को जनपद मंत्र में दिल्ली में संयुक्त मोर्चे के साथ लगभग 30 संगठनों ने भागीदारी की और हम सब ने मिलकर वहां पर राष्ट्रीय रोजगार नीति के विषय में चर्चा की। फिर 20 दिसंबर 2021 को पूरे देश के लगभग 450 जिलों में हमारे राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट को हमने सभी जिलों के कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा गया और देश की बात फाउंडेशन ने भी मिलकर यहां पर पीएमओ में अपना ज्ञापन दिया। नेशनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन 23, 24, 25 जुलाई 2021 में राष्ट्रीय रोजगार संवाद का आयोजन किया गया और नेशनल एम्प्लॉयमेंट डायलॉग का 8 दिन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, इकोनॉमिस्ट और कई सारे प्रमुख लोगों ने राष्ट्रीय रोजगार नीति के संबंध में अपनी बात को रखा। फिर देश की बात फाउंडेशन ने जेएनयू, डीयू, आईआईटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अन्य ऐसे विश्व के महान अर्थशास्त्रियों और रिसर्च स्कॉलर्स के साथ मिलकर एक टीम बनाई और राष्ट्रीय रोजगार नीति को मिलकर हम सब ने ड्राफ्ट किया। फिर इस नीति को ड्राफ्ट करने के पश्चात हमने ऑनलाइन सुझाव मंगाए और उस ऑनलाइन इस रोजगार संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि आज बढ़ती बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, ये युवाओं को हतोत्साहित कर रही है और स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी देश में रोजगार नीति का निर्माण नहीं हो पाया है और हमारे जो डिग्रीधारी युवा है वो काम की तलाश में भटक रहे हैं। 2020 में बेरोजगारी की दर 7.11% थी तो हम सब जानते हैं कि आज इस दर में गुणात्मक वृद्धि हुई है। देश की बात फाउंडेशन इसका निराकरण लेकर आया है, उसे ही मैं आपके समक्ष संक्षेप में रख रहा हूं। भारत में बेरोजगारी के समाधान की रणनीतियां इसे देश की बात फाउंडेशन ने 10M नाम दिया है जिसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला है मिनी टेक्नोलॉजी। लघु प्रौद्योगिकी में कम ऊर्जा और कम निवेश की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के अनुकूल एवं संसाधन आंदोलन समिति का गठन किया गया SRAS। उसके पश्चात संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना भारत के प्रत्येक राज्य में उस राज्य की राजधानी में रोजगार संसद का आयोजन किया जाए और वहां के हर राज्य के उन संगठनों के साथ मिलकर इस रोजगार नीति के विषय में और रोजगार नीति को कैसे लागू किया जाए इस नीति के विषय में चर्चा की जाए। फिर जिला स्तर पर हम लोग रोजगार संवाद यात्रा का आह्वान करेंगे, वहां के स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर हम सब इस रोजगार संवाद यात्रा को चलाएंगे और दिल्ली में 16 अगस्त 2022 को हम सब मिलकर राष्ट्रीय रोजगार सत्याग्रह का एक बड़ा ही आंदोलन होगा।